अब मैं जैसे ही इस रिसीवर को इस लैपटॉप में लगाऊंगा तो ये दोनों जो है वो वर्किंग कंडीशन में आ जाएंगे। तो अब मैं यहाँ से इस रिसीवर को अपने लैपटॉप में लगा देता हूँ यूएसबी पोर्ट में। तो ये हो गया, अब ये जो मेरा लैपटॉप है वो अब इन दोनों के साथ कंपेटेबल हो चुका है यूज़ करने के लिए। अब तो मैं फटाफट से कुछ आपको वर्ड टाइप करके फिर उसके बाद आपको बताता हूँ कि ये वर्क कर भी रहा है कि नहीं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर इस माउस के बारे में बता देना चाहता हूँ। तो ये हो गया मेरा माउस, अब मैं यहाँ से इसको यूज़ करता हूँ। तो अब जैसा कि आप यहाँ पर देख पाएंगे तो ये हो गया मेरा माउस। तो अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो मेरा कर्सर है वो वर्क कर रहा है। मैं यहाँ से रिफ्रेश कर देता हूँ किसी भी एप्लीकेशन को, जैसे ओपन करता हूँ ये होगा गूगल क्रोम। तो ये काफ़ी सीमलेस तरीके से ओपन हो रहा है, सारी चीज़ें अच्छे से काम कर रही है। ऐसा नहीं लग रहा है कि मुझे मैं वायर्ड माउस को यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ऐसा ही मुझे फील हो रहा है कि जैसे मेरे हाथ में वायर्ड माउस है और कोई भी डिले यहाँ पर मुझे नहीं लग रहा है। तो अब यहाँ पर बात आ जाती है कि क्या ये जो कीबोर्ड है वो टाइपिंग एक्सपीरियंस आपको ख़राब तो नहीं करेगा। तो मैं यहां पर आपको बताऊं तो ये हो गया मेरा वर्ड पैड। तो अब मैं यहां पर मैं आपको एक चीज बताता हूं, उस चीज को आप प्लीज फॉलो कीजिएगा। तो ये हो गया, और यहां से अब मैं आपको बताता हूं कि आपको क्या करना है। दोस्तों हमारा जो लक्ष्य है, हमें अपने लक्ष्य पर बने रहना है, वो है यहां पर सब्सक्राइब गीक। इस चीज को आपको जरूर करना है, इस चीज़ को आपको ज़रूर करना है। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आप फट से कीजिए, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। वही जिस चैनल को आप देख रहे हैं, इस चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। खैर यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि इस कीबोर्ड की बात यह है कि ये जो कीबोर्ड है मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मतलब यहाँ पर आप कुछ भी टाइप करेंगे बहुत ही मज़ा आता है। मैं कुछ दिन पहले एक कीबोर्ड को यूज़ कर रहा था, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। ये है मेरा ज़ेब्रानिक्स का कीबोर्ड, और ये जो कीबोर्ड है वो एक्चुअली में ख़राब हो चुका है, क्योंकि मैं इस कीबोर्ड को जैसे ही अपने लैपटॉप में लगाता हूँ तो मेरा जो लैपटॉप है वो उसको अजब से ही नशे हो जाते हैं, ये पता नहीं क्या क्या लिखने लगता है। और मेरा जो लैपटॉप है इस कीबोर्ड और इस माउस की वजह से हैंग हो जाता है। तो इस वजह से मैंने इसको हटाकर इसी को परचेस किया है। खैर यहाँ पर ये जो लॉजिटेक का माउस और कीबोर्ड कॉम्बो है वो काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। खैर ये भी काफ़ी अच्छे थे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो मेरी हैबिट नहीं बनती थी जब मैं इस पर टाइपिंग वगैरह करता था। तो खैर यहाँ पर ये जो कीबोर्ड है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इसमें टाइपिंग करने में भी काफ़ी मज़ा आता है और सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से वर्क कर रही है। तो ये चीज़ मुझे उसकी अच्छी लगी, और यहाँ पर ये थोड़ा सा मुझे इनकन्वीनियंट लगता है। खैर यहाँ पर मैं आपको इस माउस के बारे में बताऊं तो क्या माउस भी काफ़ी बड़ा था और माउस भी मुझे काफ़ी इनकन्वीनियंट लग रहा था। तो इस वजह से मैंने इसको हटाकर अब इसी लॉजिटेक के माउस और कीबोर्ड को परचेस किया है, इसके कॉम्बो को। खैर यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो ये जो माउस और कीबोर्ड है मुझे काफ़ी सस्ते में मिल गया था। कुछ दिनों पहले अमेज़ॉन से मैंने इसको परचेस किया था, तो मुझे कुछ 1469 रुपीस का पड़ गया था। तो अब यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो इसमें आपको कुछ और फंक्शनैलिटीज़ भी दी गई हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं प्ले पॉज का बटन दिया गया है, और यहाँ पर आपको म्यूज़िक वॉल्यूम अप एंड डाउन मतलब ज़्यादा कम करने के लिए भी आपको दे दिया गया है। और यहाँ पर आप चाहें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर जो म्यूज़िक वॉल्यूम अप एंड डाउन कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि म्यूज़िक वॉल्यूम अप एंड डाउन हो रहा है, यानी कम वो ज़्यादा हो रहा है। तो अब मैं चाहूँ तो होम पर जैसे ही प्रेस करता हूँ होम बटन पर, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे हम होम बटन पर आ चुके हैं, ईमेल वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर चाहें तो आप अपने पीसी को स्लिप मोड भी ला सकते हैं इसी कीबोर्ड की मदद से। आपको यहाँ पर कुछ भी इसमें कुछ भी यहाँ पर टैप करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ से आप चाहें तो इसको फिर से इन्वोक कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर नम पैड वगैरह भी दिए जा रहे हैं, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जा रही है। और इसके बारे में बताऊँ तो ये काफ़ी क्लिकी है, मतलब बहुत ही मज़ा आ रहा है मुझे। तो खैर आप अब मुझे बताइए कि आपको ये कीबोर्ड और माउस का कॉम्बो कैसा लगा। खैर वो दोनों तो मुझे अच्छे नहीं लगे जो मैंने लॉजिटेक वाला आपको दिखाया, खैर ये कैसे लगे आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो गाइस उम्मीद है आपको इसी वायरलेस माउस और कीबोर्ड की अनबॉक्सिंग वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मैं मिलता हूं आपसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।